हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें आप वेडिंग सीजन के काम आएगी आपके, जो आप जैसे आप बाहर जाते हैं वेडिंग सीजन में रेडी होकर, तो आप इस तरीके का वेस्ट बनाकर देखिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये ट्रिक। तो मैं जो वेस्ट बनाने जा रही हूँ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलाऊँगी, तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस तरीके से बना के कर सकते हैं। मैंने ऑयल लिया है, आप सीरम भी ले सकते हैं। मैंने फेशियल ऑयल की 2 ड्रॉप ली ओनली। आपके पास कोई सीरम हो या बेबी ऑयल वगैरह हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा ऑयली सॉरी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी मिला सकते हैं इसको ऑयल को। तो मैं अब प्राइमर मिलाने वाली हूँ, प्राइमर प्लस हाइलाइटर है इस स्विस ब्यूटी का। आपके पास जो भी अवेलेबल हो प्राइमर आप वो लगा सकते हैं, वो मिक्स कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा मैंने एक पंप मैंने प्राइमर लिया है, अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ इल्यूमिनेटर, जो कि फेस को एक इतना अच्छा ग्लो देगी, शाइन, कि लोगों की नज़रें नहीं हटेंगी आपसे। तो ये मैंने इल्यूमिनेटर की ड्रॉप डाली है, ये कम है, थोड़ा और निकालती हूँ। ये ड्रॉप की तरह होती है, इसमें से निकालनी पड़ती है, इसलिए अगर आपको काफ़ी अच्छा बेस बनाना है तो आप इस तरीके से ट्राई करके देखिए एक बार, और मुझे कमेंट्स में जब आप बना के देखें तब मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये कैसा लगा बेस। मैंने थोड़ा सा और मिक्स किया है हाइलाइटर, सॉरी इल्यूमिनेटर। ये हाइलाइटिंग का काम भी करता है फेस पर, इतना इनफ है। देखिए इस तरीके का ये, अब मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ जो यूज़ करने वाली हूँ काफ़ी अच्छा मैजिकल बेस रेडी होने वाला है। इसको मैं अभी हाथ पर ट्राई करके दिखाऊंगी आपको, इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। इसमें आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमर अलग से लगाते हैं, हाइलाइटर अलग से लगाते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है और अच्छा हो ना हो कोई पता नहीं है। तो आप इस तरीके से बना के लाएंगे तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, बेस काफ़ी फ्लॉलेस बनता है इससे। अब मैंने प्राइमर लिया, इसको क्रश करके मैं इसमें मिक्स करूँगी। कुछ भी चीज़ हो आपके पास, चिमटी वगैरह, उससे हल्का सा क्रश करना है, या मस्कारे का ब्रश हो खाली वाला, एकदम क्लीन होना चाहिए, उससे आप क्रश करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स करना है। सिल्वर हाइलाइटर है ये, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, आप कंटेनर में देख रहे हैं उतना ही मैंने मिक्स किया है इसमें। अब मैं इसमें ओलिविया का जो पेन स्टिक है वो मिला रही हूँ, मिलाने वाली हूँ। ये येलो कलर में है, शेड नंबर 007 है। इस तरीके थोड़ा सा मैंने क्रश करके निकाली है, क्रीम बेस में होती है स्टिक में, बिल्कुल थोड़ी सी निकाली है। अब मैं नेक्स्ट सामान जो निकाल कर ला रही हूँ, मैंने इतना मिक्स किया इसमें, पेन स्टिक के बाद अब मैं
फाउंडेशन, तो ये मेबलिन का फाउंडेशन है, ट्यूब बेस में आता है, जो 128 नंबर है इसका, न्यूड वार्म वाला। तो थोड़ा सा मैं ये भी डालूँगी इसके अंदर। आपके पास जो भी फाउंडेशन अवेलेबल हो आप वो मिक्स कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ये फाउंडेशन थोड़ा सा निकाल रही हूँ, जितनी आपको नीड है फेस के अकॉर्डिंग आप उतना इसमें से निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने बिल्कुल थोड़ा सा निकाला है, ये आराम से एक फेस के लिए हो जाएगा। आप इतना एक फेस के लिए बनाना चाहते हैं तो आप करीबन इतना निकाल सकते हैं, ये हाफ नेक तक लग जाएगा। उसके बाद मैं, ये मेरे पास क्रायलॉन का बेस है डर्मा का, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा ही लिया, वो मैंने फिंगर पर ही लगा लिया है, तो मैं इसको मिक्स करूँगी इसलिए मैंने फिंगर पर ही लगा रहने दिया है। वो आइवरी शेड का है ये, तो इस तरीके से मैं उसको रब करके तब इसमें मिक्स करने वाली हूँ। तो ये मैं मिक्स करने लगी हूँ इस तरीके से, आपको फिंगर टिप से इस तरीके से मिक्स करना, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अगर आप ये बेस गर्मियों के लिए बना रहे हैं और स्किन ऑलरेडी आपकी ऑयली है तो आप इसमें कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से आपको, बट अब वेडिंग सीजन में लगा कर ट्राई करके इतना नहीं हो पाएगा, पहले अच्छे से स्वेटिंग नहीं होती है, तो इसमें कॉम्पैक्ट या पाउडर, लूज़ पाउडर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ही काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस बेस बनेगा। तो ये मैं अब लगा के दिखाऊंगी आपको। इसमें कंसील वगैरह कुछ अलग से आपको फेस पे नहीं लगाना है, अगर ज़्यादा ही नीड है, ज़्यादा ही डार्क सर्कल वगैरह हो रहा है फेस पे तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, जो भी हमने बेस लिया है अलग से कंसील वगैरह लिया था तो उसके मोटे दाने वगैरह कुछ ना रह जाए, हाइलाइटर वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इस तरीके से थोड़ा फिंगर टिप पे लूँगी मिक्स करके, ये मैंने अपना हाथ लिया है, मैंने इस पर कुछ नहीं लगाया है, सुबह मॉइस्चराइजर लगाया था तो वही लगा हुआ है, क्लीन कर लिया है बस, तो इतना ड्राई नहीं है मेरा हाथ। तो इस तरीके से मैंने ये थोड़ा सा लिया है इस तरीके से, आपको मिक्स करना है मतलब फैलाना है। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे मिक्स करके इसको सेट कर सकते हैं, पर मुझे फिंगर टिप से ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने फिंगर से लगाया है। इसमें एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट होती हैं जो चीज़ें ब्रश में या पफ में लग जाती हैं, तो आप फिंगर से लगाएं वो ज़्यादा अच्छा है। फिर आप सेट करने के लिए पफ का यूज़ कर सकते हैं, स्पंज का। इस तरीके से मैंने सेट किया है, आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देखना। इसके बाद आपको ज़्यादा ऑयली लग रही है आपकी स्किन तो आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं लूज़ पाउडर लास्ट फिनिशिंग देने के लिए। इसके बाद आप जो हाइलाइटर वगैरह यूज़ करना चाहें फेस पे तो वो कर सकते हैं, ब्रॉन्ज़र वगैरह कर सकते हैं, और आई मेकअप करके आपका फुल एंड फाइनल फेस रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये है हमारा फाइनल लुक, कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।